हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट पीएनएसटी और पीवीएफटी एग्ज़ाम्स के लिए समाधान स्टडी क्लासेस देखते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। सेशन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल हमने जो सेशन किया था उसमें 50+ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज और 50+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एंथेसिस की परिघटना आधारित है कि, एंथेसिस की परिघटना आधारित है कि परागकण निर्माण, वर्तिकान पर परागकण का पहुंचना, परागकोष का विकास, पुष्पकलिका का खुलना। आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्पकलिका का खुलना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पुष्पकलिका का खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लीफ पौधों का मार्केस या मास। पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, आंसर होगा वॉकिंग फर्न जो है ऑप्शन ए, वॉकिंग फर्न पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट है, आलू के कंद में आंखें होती है, आलू के कंद में आंखें होती है, पुष्प कलिकाएं आर, प्ररोह कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, मूल कलिकाएं। पुष्प कलिकाएं आर, प्ररोह कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, मूल कलिकाएं। आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन सी कक्षस्थ कलिकाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? मार्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। मार्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। आंसर होगा पाइनस जो है वह उभयलिंगाश्रयी होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, उड़हुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। सरसों, उड़हुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं, एक लिंगा, एक लिंगी। आंसर होगा पपीता एक लिंगी है, ऑप्शन सी। अगला है, आंसर ऑप्शन सी पपीता। नेक्स्ट है, अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जनन। अंडाणु बनाने की विधि को कहा जाता है, आंसर होगा अंडजनन, ऑप्शन ए अंडजनन अंडाणु बनाने की विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनाने की क्रियाविधि को कहते हैं शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन, अंग जनन। मादा जनन, शुक्राणु जनन, युग्मक जनन, अंग जनन। शुक्राणु बनाने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक, दो, तीन, एक भी नहीं। एक, दो, तीन, एक भी नहीं। आंसर होगा अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। किसके द्वारा अलैंगिक जनन पौधों में होता है? आंसर होगा मुकुलन के द्वारा पौधों में अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों द्वारा।
कायिक जनन किस प्रकार होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के द्वारा होता है। जड़, स्तंभ, पत्ती तीनों प्रकार से होता है कायिक जनन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, तीनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तिया, स्तंभ, जड़, बीज। पत्तिया, स्तंभ, जड़, बीज। आंसर होगा स्तंभ, ऑप्शन बी। कायिक संचरण स्तंभ के द्वारा, जो आलू में जो कायिक संचरण है वह स्तंभ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वृत्तिकांड में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण, अंडोत्सर्ग, परपरागण, निषेचन। एक ही फल के भीतर पराग कोशों का पराग कण से का वृत्तिकाग्र में पहुंचना कहलाता है। राइट आंसर होगा स्वपरागण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। आंसर होगा अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, काम, फेलोपियन नलिका में। अंडाशय, गर्भाशय, योनि मार्ग, फेलोपियन नलिका। अंडे का निषेचन राइट आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब में अंडे का निषेचन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव नर में शुक्राणु भरण भंडारण किस जनन अंग में होता है? शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शिश्न, शुक्रवाहिका, एपिडिमिस, वृषण। शिश्न, शुक्रवाहिका, एपिडिमिस, वृषण। आंसर होगा एपिडिमिस में शुक्राणु भंडारण, मानव नर में शुक्राणु भंडारण एपिडिमिस में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है 2n, 3n, 4n, n। गुणसूत्र का सेट होता है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा n। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक जो जनक हैं, जनकों में अलैंगिक जनक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति एक जनक के भाग लेने से होती है। नेक्स्ट है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोन। युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोन। आंसर होगा ऑप्शन बी, युग्मनज बनता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, अकार जनन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युग्मक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं, वह प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
तीन परत वाली संरचना किसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है। तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है। ब्लास्टुला, गैस्टुला रानी, विदलन इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा गैस्टुला रानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है। स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। आंसर होगा ऑप्शन सी, उभयलिंगी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, कायिक जनन। जो विभिन्नताएं हैं किन प्राणियों में अधिक देखने को मिलती है। आंसर होगा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो है प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन। आंसर होगा ऑप्शन ए, जनन। नेक्स्ट है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जरायुज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन, विदलन। गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन, विदलन। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की प्रक्रिया गर्भाधान कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, गर्भाधान। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है। हाइड्रा, ओबेलिया, ओपेलिना, प्लाज्मोडियम, सी और डी। आंसर होगा सी एंड डी। प्लाज्मोटोमी जो है वह ओपेलिना और प्लाज्मोडियम इन दोनों में होता है, तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर होगा, सी और डी। नेक्स्ट है, किसी अनिषेचित अंडज में से जीव के विकास को कहते हैं। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। विविपेरस, पार्थेनोकार्पी, एपोगेमी, एपोस्पोरी। आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि। एक बीजपत्री में बंद वेस्कुलर बंडल होता है। एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। समांतर वेनेशन होता है। एक से अधिक सही। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग जो है वो बिरले ही सफल होता है क्योंकि। आंसर होगा ऑप्शन बी, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफायरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है।
रिजनरेशन, विखंडीकरण, टूटन, स्ट्रोबाइलेशन। रीजनरेशन, विखंडीकरण, टूटन, स्ट्रोबाइलेशन। आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रोबाइलेशन। ऑप्शन डी स्ट्रोबाइलेशन राइट आंसर। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, अस्थि, एजिंग, पृथ्वी। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो एजिंग होते हैं उनका जीरोंटोलॉजी में अध्ययन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, केंचुआ। मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, केंचुआ। आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी में बिना निषेचन प्रजनन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 8, 16, 24, 32। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 16। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट है किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। एंडोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म जो है वह त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन सी त्रिगुणित हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। पुष्प के अंडाशय होते हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगुणित होते हैं। पुष्प के अंडाशय द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर, पराग कण, तना के छोर, पराग कोश। मूल छोर, पराग कण, तना के छोर, पराग कोश। आंसर होगा पराग कोश में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधे में पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है किसी छोटे भाग या टुकड़े को के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? ऑप्शन ए मॉर्फोलेक्सिस, एपिमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस और मेटाबॉलिज्म। आंसर होगा ऑप्शन ए मॉर्फोलेक्सिस। ऑप्शन ए मॉर्फोलेक्सिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत बीजी। नेक्स्ट है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? स्टॉलोन, ऑफसेट, रनर, सकर। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन जो है ऑफसेट के द्वारा होता है। ऑप्शन बी ऑफसेट। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी के मायोसिटिस में गुणसूत्र की संख्या होती है? घरेलू मक्खी के मायोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है 8, 12, 34, 21। आंसर होगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राणी में
ओवोविविपेरिटी होता है। मुर्गी प्लेटिपस रेटल सर्प एकिडना। मुर्गी प्लेटिपस रेटल सर्प एकिडना। आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटल सर्प में जो है ओवोविविपेरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है एक्सोलोटल लार्वा में, मिराज सीडियम में, सर्केसिया में, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। ऑप्शन डी, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं हेटेरोगेमी, होमोगेमी, लैंगिक द्विरूपता, हर्माइफ्रोडाइट्रिजिक। आंसर होगा लैंगिक द्विरूपता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, टीनिया फैसियोला राना तितली। टीनिया फैसियोला राना तितली। आंसर होगा ऑप्शन बी, फैसियोला में पीडोजेनेसिस लार्वा पाया जाता है। जो है फैसियोला पीडोजेनेसिस लार्वा जो है वह फैसियोला में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, सिराटियम। आंसर होगा सिराटियम में जो है तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो जो प्राणी हैं उनमें यौनावस्था के बाद में प्रजनन अवस्था आती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्रजनन अवस्था। आई होप फ्रेंड्स सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर सर की फिजिक्स की क्लासेस लग रही है तो आप फिजिक्स की क्लासेस ज़रूर देखिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों क्लासेस बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि वे क्लासेस ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।